معزز سامعین حضرات، جنگ خندق کے بعد آئیے ہم آپ کو فتح مکہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس کیسٹ کے کلام لکھے ہیں جناب حاجی شوق وزیر گنجوی نے، میوزک دیا ہے علی احمد نیازی نے، فنکار ہیں تسلیم عارف اور ہمنوا، پیشکش سپر کیسٹ انڈسٹریز اور گلشن کمار کی۔ لیجئے سماعت فرمائیے فتح مکہ کا یہ واقعہ۔ رسالت جب سے سے دنیا میں آئی ہے محمد کی، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نمائی ہے محمد کی۔ یہ ہے راز نہاں، اے شوق اس کو کون سمجھے گا، محمد ہے خدا کے اور خدائی ہے محمد کی۔ بے شک محمد ہے خدا کے اور خدائی ہے محمد کی، لیکن زمانہ تب ہوا واقف خدا کی شان قدرت سے، جہاں میں دین پھیلا جب محمد کی رسالت سے، جہاں میں دین پھیلا جب محمد کی رسالت سے، جہاں میں دین پھیلا جب محمد کی رسالت سے۔ زمانہ تب ہوا واقف خدا کی شان قدرت سے، جہاں میں دین پھیلا جب محمد کی رسالت سے، جہاں میں دین پھیلا جب محمد کی رسالت سے، جہاں میں دین پھیلا جب محمد کی رسالت سے۔ پہلا بند یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بغور سماعت فرمائیے۔ جو ہے تاریخ میں تصویر ماضی وہ دکھاتا ہوں، سنو اب داستان فتح مکہ میں سناتا ہوں۔ نبی جب چھوڑ کر مکہ مدینے کو چلے آئے، اٹھا طوفان تو لے کر سفینے کو چلے آئے۔ جو مومن ہو چکے تھے ظلم کی ان پر بھی شدت کی، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا نبی کے ساتھ ہجرت کی، وہاں بھی ظالموں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، ستایا ہر طرح سے ظلم کا شیوا نہیں چھوڑا۔ نبی محترم امن و اماں کی بات کرتے تھے، مگر وہ فتنہ گر تیغ و سنہ کی بات کرتے تھے۔ رسول اللہ جن کو راہ جنت کی دکھاتے تھے، وہی دن رات ان کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے۔ میرے آقا نے پتھر کھا کے بھی ان کو دعائیں کی، مگر ان دشمنان نے دین نے پھر بھی جفائیں کی۔ کئی جنگیں لڑی سرکار سے سب مکے والوں نے، مگر ہر بار منہ کی کھائی ان مشرک رزالوں نے۔ مٹانا چاہتے تھے نور وحدت کے اجالوں کو، سمجھتے تھے بہت کمزور وہ ایمان والوں کو۔ کبھی باطل کی طاقت سے نہ دبتے تھے خدا والے،
भरोसे पर खुदा के थे मोहम्मद मुस्तफा वाले। घटा छाई उठा बादल जहां में कुफ्र जुल्मत का, घटा छाई उठा बादल जहां में कुफ्र जुल्मत का, मगर चढ़ता गया सूरज मोहम्मद की रिसालत का, ये फतेह मक्का किस तरह से हमारे आका ने मक्के में जाकर जो आपके दुश्मन थे उन पर फतह पाई थी, यहां से शुरू हो रहा है ये वाकया। ये तो आप जानते ही हैं कि जंगे खंदक में किस तरह से अबू सुफियान अपनी मूठी खाकर वापस मक्का लौट गया था, लेकिन आगे क्या हुआ सुनेगा। मिली वो जंगे खंदक में तबाही मक्के वालों को, बचाना जान मुश्किल हो गई उनके रिसालों को, हजीमत ऐसी पाई थी के टूटे हौसले उनके, के फिर आपस में ही होने लगे शिकवे गिले उनके, जरा माहौल कुछ बदला हुआ पाया जमाने का, इरादा तब किया सरकार ने मक्के को जाने का, चले फिर सुए काबा उम्रा करने को रसूल अल्लाह, मुसलमान साथ थे 14,000 उस दम बहमदिल्ला, चले थे बांध कर एहराम सब एहराम की हद से, फजा में नूर का आलम था अनवारे मोहम्मद से, करीबे मक्का जब पहुंचे तो ठहरे सरवरे आलम, लगाए सबने खेमे बीच में थे हादिये अकरम, ये समझे मक्के वाले के मुसलमान आए लड़ने को, हुए तैयार निकले शहर से वो जंग करने को, ये फरमाया नबी ने हजरते उस्मान से तुम जाओ, जो हैं सरदार मक्का के उन्हें ये जाके समझाओ। हमारे आका हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला से फरमाते हैं कि इन लोगों को जो ये गलत फहमी है कि हम लड़ने आए हैं, तुम जाओ और जो मक्के के सरदार हैं उनको ये समझाओ कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो उमरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम नो अमान चाहते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ सुनेगा। कि हम मोमिन सभी काबे में उमरा करने आए हैं, पाए अमनो अमा प्यारे नबी तशरीफ लाए हैं, गए मक्के में जब उस्मान तो वापस नहीं आए, वहां फिर मक्के वाले तो यहूदी ये खबर लाए, अबू सुफियान ने मक्के में कहा उस्मान का टाला, उन्हें धोखे से घर में बंद करके कत्ल कर डाला, ये सुनकर गम हुआ उस्मान का अल्लाह वालों को, कहा इसका नतीजा भी मिलेगा मक्के वालों को। जब ये खबर दो यहूदी आकर सुनाते हैं, हालांकि ये खबर झूठ थी, लेकिन
ये सुनकर गम हुआ उस्मान का अल्लाह वालों को, कहा इसका नतीजा भी मिलेगा मक्के वालों को। कैसे गए एक पेड़ के नीचे किया ऐलान आका ने, गए एक पेड़ के नीचे किया ऐलान आका ने, बराए जंग फिर सबसे लिया पैमान आका ने, खुशी सरकार की मंजूर बैत की, कहा हर बात मानेंगे शहनशाह रिसालत की, उसी बैत को हम सब बैत रिजवान कहते हैं, रसूले पाक उसको रहमत रहमान कहते हैं, हुई रहमत खुदा की आ गए उस्मान मक्के से, कहा कासिद को भेजेगा अबू सुफियान मक्के से, शहादत की खबर को ये कहा झूठी खबर दी है, कि हमसे कायदे के साथ सबने गुफ्तगू की है। जब हजरत उस्मान गनी मक्के से वापस आ जाते हैं तो हुजूर से कहते हैं कि ये बात सब गलत है जो शहादत की मेरे बारे में फैलाई गई है, हमसे उन लोगों ने कायदे के साथ बात की है। मुसलमान ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और आगे क्या होता है सुनेगा। मुसलमान खुश हुए जब हजरत उस्मान आ पहुंचे, कि ये सब ने खुदा की बारगाह में शुक्र के सजदे, वफद आया जो मक्के से तो रखी शर्त ये उसने, कि उमरा इस दफा तो आप हजरत मुल्तवी कीजिए, बराए हज अगर आए तो अगली साल ही आए, फकत तलवार लाए और कुछ असलाह नहीं लाए, हमारा आदमी पहुंचेगा तो वापस उसे लेंगे, बशर जो आपका आएगा उसको हम न भेजेंगे, रसूल पाक ने ये शर्तें सब मंजूर फरमा ली, सुलहनामा पे दस्तक कर दिए सब आफतें टाली, कहा हजरत उमर ने बापू माँ कुर्बा मेरे आका, की एक तरफा ये शर्तें दस्तखत क्यों कर दिए आका, ये फरमाया रसूल यहाँ फिर आएंगे इस साल पूरे जी बचाई है, यहाँ फिर आएंगे इस साल पूरे जी बचाई है, यहाँ फिर आएंगे इस साल पूरे जी बचाई के सरदारों की तरफ से जो वफद आया, उन्होंने ये शर्त रखी कि इस साल तो आप चले जाइए, हम उमरा नहीं करने देंगे, लेकिन हाँ अगली साल आप आकर हज कर सकते हैं, और शर्त ये है कि आप
सिवाय तलवार के और साथ में कुछ नहीं लाएंगे। बहरहाल रसूल पाक ने उनकी ये शर्त मंजूर फरमा ली। हजरत उमर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये शर्तें तो एक तरफा थी, लेकिन आपने इन शर्तों पर दस्तखत क्यों कर दिए? तो रसूल करीम ने फरमाया कि हमने खूरेजी बचाई है क्योंकि हमें अगले साल फिर आना है। तो आगे क्या हुआ जरा सुनिएगा, किस तरीके से हुजूर अगले साल हज करने आते हैं, सुनेगा। जहां ठहरे थे आका वो जगह थी एक हुदैबिया, मुअर्रिख ने लिखा उसको सुलहनामा हुदैबिया। अबू जंदल थे एक मक्के के वो ईमान ले आए, उन्हें मक्के के लोगों ने सताया घर को लौटाए। किया नेज़ों से जख्मी और कहा घर लौट कर जाऊं, रसूल पाक ने फरमाया जाओ सब्र फरमाओ, खुदा के फजल से आइंदा फिर हम हज को आएंगे, न घबराओ मदीने फिर तुम्हें हम लेके जाएंगे। वही नाजिल हुई सरकार पर सूरह फतह आई, जिना की भी सजा उस दम मुकर्र रब ने फरमाई, जो था कानून मुतबन्ना का उसको रद्द किया रब ने, इरादा वापसी का फिर मदीने को किया सबने। मदीने आ गए तो फिर यहूदी जोर पर आए, ये शोहरत की नबी मक्के में उमरा कर नहीं पाए, बड़े जालिम थे खैबर के यहूदी फितना परवर थे। गया एक रोज लश्कर साथ में प्यारे पैगंबर के, अली ने सर किया जाकर किला खैबर का दर तोड़ा, नहीं माने जो लड़ने से उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा। फिदक और अलकरा को भी फतह फरमाया आका ने, कोई एक साल तो फिर कौम को बुलवाया आका ने, कहा मक्के को जाने की करें वो लोग तैयारी, जिन्हें करना है उमरा लाजमी है उनको बेदारी। गरज एक काफिला लेकर गए सरकार मक्का को, गरज एक काफिला लेकर गए सरकार मक्का को, किया उमरा खुशी से खुश किया अल्लाह ताला को, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक काफिला लेकर मक्के को जाते हैं। कहा कि जो लोग मेरे साथ चलना चाहें चलें, जिन्हें उमरा करना है वो चलिए, लेकिन तीन दिन मक्के में रहने के बाद सरकारे दो आलम ने एक सलाह दी कि 10 साल तक अब किसी भी तरफ से ये लड़ाई ना हो। आगे क्या हुआ जरा सुनिएगा। रहे मक्के में आका 3 दिन वापस चले आए, सुलह थी 10 बरस कोई किसी से भी न टकराए, अबू सुफियान ने तोड़ा अहद और जुल्मों से दम ढाए, जो मक्का में नबी के आदमी थे उसने मरवाए,
रसूल अल्लाह ने तैयारी की फिर जंग करने की। हुई ये फिक्र कोशिश में है जालिम फिर उभरने की। चले लेकर मदीने से मुजाहिद 10,000 आका, हुए थे कत्ल उनके आदमी थे बेकरार आका। मुजाहिद जोश में थे सरफरोशी की तमन्ना की। इरादा और हिम्मत देख कर हैरान दुनिया थी। पराए दीन छाया इंतकामी जोश था सब पर। सफर था तेज तर और नारे तकबीर था लब पर। करीबे शहरे मक्का रुक गया लश्कर मदीने का। तमन्ना जंग की थी गमना था कुछ मरने जीने का। करीने से लगे खेमे मुअज्जिन ने अज़ान दे दी। असर का वक्त था गर्मी ने उनको अब अमा दे दी। वुजू करके जमात को हुए तैयार सब गाजी। बाहर सूरत शरीयत के थे ताबेदार सब गाजी। सभी ने मिलके माबूद हकीकी की इबादत की। रसूल पाक ने सारी जमात की इमामत की। दुआ किया इलाही फतह दे तू हम मक्के पर। तेरी तौहीद का लहराए परचम जाके काबे पर। तेरी तौहीद का लहराए परचम जाके काबे पर। तेरी तौहीद का लहराए परचम जाके काबे पर। पाक सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूल अल्लाह ने परवरदिगारे आलम से जब दुआ की कि या परवरदिगार हमें तू मक्के पर फतह अता फरमा, क्योंकि हम तेरी तौहीद का परचम लहराने काबे पर आए हैं। ये खबर चरवाहों ने जाकर मक्के के अमीरों को जब दी तो क्या होता है सुनेगा। खबर दी जाके चरवाहों ने मक्के के अमीरों को। अजीम शान लश्कर आ गया भेजो सफीरों को। मुसलमानों का लश्कर है पैगंबर साथ आए हैं। बहुत हैं ऊंट घोड़े साथ में हथियार लाए हैं। उमर बिन आस हैं खालिद भी उनके साथ देखे हैं। बहादुर हैं ये मक्के के सुलह को तुमने भेजे हैं। वो कहते हैं कि तुमने उमर बिन आस और खालिद को जो सुलह के लिए उनकी तरफ भेजा था, अब तो वो भी ईमान ले आए हैं और वो भी रसूल पाक के साथ तुमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। अबू सुफियान ये सुनकर क्या कहता है समाप्त कीजिएगा। अबू सुफियान बोला ये मुसलमान हो गए जाकर। मोहम्मद को किया तस्लीम बेदीनों ने पैगंबर। उबल और लात उज़्ज़ा अब उन्हें ऐसी सजा देंगे। पैगंबर और मुसलमानों की अब हस्ती मिटा देंगे। अबू सुफियान पहुंचा रात में तहकीक करने को के देखें कितना लश्कर है मुसलमानों का मरने को। वो था सरदार मक्के का कराता था वही झगड़ा।
वो छुप कर देखता था कि उमर ने उसको जा पकड़ा। रात को जब अबू सुफियान ये जायजा लेने गया मुसलमानों के लश्कर में छुप कर कि देखे तो कितनी फौज आई है, हजरत उमर ने उसको पकड़ लिया और पकड़ कर सरकारे दो आलम के पास लाते हैं। लेकिन क्या सरकारे दो आलम अबू सुफियान को सजा देंगे? हालांकि जिंदगी भर इसी ने जुल्म ढाए हैं और इसकी वजह से ही सारा झगड़ा है। लेकिन सरकारे दो आलम कुर्बान जाइए, क्या करेंगे सुनिएगा। पकड़ कर ले गए हजरत उमर सरकार के आगे, कहा सरकार ये पकड़ा गया पीछे थे वो भागे, इसी ने मोमिनों पर बेतहाशा जुल्म उठाए हैं, गरीबों बेकसों के खून इसने ही बहाए हैं, इजाजत तो हमें आका के इसका सर कलम कर दें, रवाना इसको हम इतवार में मुल्के आदम कर दें। लेकिन सरकार कहते हैं, कहा सरकार ने छोड़ो मुआफी इसको देते हैं, कहा सरकार ने छोड़ो मुआफी इसको देते हैं, हम अपने दुश्मनों से इस तरह बदला न लेते हैं, हम अपने दुश्मनों से इस तरह बदला न लेते हैं। गिरा कदमों पे कदम देख कर शेबा मोहम्मद का, गिरा कदमों पे कदम देख कर शेबा मोहम्मद का, किया तस्लीम पैगंबर पढ़ा कलमा मोहम्मद का, तस्लीम पैगंबर पढ़ा कलमा मोहम्मद का, मान ले आए गिरा कदमों पे एकदम देख कर शेवा मोहम्मद का, किया तस्लीम पैगंबर पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लेकिन जब आप ने हुजूर सरवरे कायनात का कलमा पढ़ लिया तो हमारे आका ने अबू सुफियान से क्या कहा समाप्त कीजिएगा। ये फरमाया अबू सुफियान से आका ने, तुम जाओ हमारी सिंत से मक्के के लोगों को ये समझाओ, हमारा काम कुरेजी नहीं बदला ना हम लेंगे, मगर हाँ दीन की तबलीग को हरगिज ना रोकेंगे, लड़ेगा हमसे जो कोई उसे हरगिज ना छोड़ेंगे, जो है झूठे खुदा काबे में उनको जाके तोड़ेंगे, जो काबे में बिला हथियार होगा उसको बख्शेंगे, तुम्हारे घर में जो पहुंचेगा उसको भी न मारेंगे, ज़ईफों औरतों बच्चों को छेड़ेंगे नहीं गाजी, कलम कर देंगे सर उसका करेगा जो दगाबाजी,
अबू सुफियां गए ये बात सुनकर शहर के अंदर, सुनाया हुक्म ये प्यारे नबी का सबको बुलवा कर। कहा लोगों मुसलमानों पे काबू तुम न पाओगे, करोगे जंग जो उनसे तो बेशक मारे जाओगे। रसूले पाक तुमसे जुल्म का बदला नहीं लेंगे, जो चाहोगे मुआफी तो मुआफी तुमको दे देंगे। दहाड़े मारते थे और अभी सुफियान रोते थे, किए पर अपने पछताते थे और शर्मिंदा होते थे। किए हैं जिंदगी भर जुल्म सरकारे दो आलम पर, हुए काबू में उनके तो करम फरमा दिया हम पर। वो है सच्चे नबी अल्लाह के मैं देख आया हूँ, वो है सच्चे नबी अल्लाह के मैं देख आया हूँ, वो है सच्चे नबी अल्लाह के मैं देख आया हूँ। मोहम्मद और खुदाए पाक पर ईमान लाया हूँ, मक्के में आकर सबको बताते हैं कि वो हैं सच्चे नबी अल्लाह के, मैं देख आया हूँ मोहम्मद और खुदाए पाक पर ईमान लाया हूँ। और लोगों को क्या बताते हैं आप, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लश्कर मक्के शहर में किस तरह से दाखिल होता है, क्या शान थी उस लश्कर की, इस बंद में मुलाहजा फरमाइए। जो मेरे घर में जाएगा अमा मिल जाएगी उसको, हरम में भी जो जाएगा बचेगा बात ये सुन लो। रसूल अल्लाह का लश्कर चला जब शहर मक्का को, हुई बेहद खुशी सब मोमिनों को और सहाबा को। रिसाला एक सवारों का नबी से आगे जाता था, थी बाकी फौज पीछे ऊंट और घोड़ों का तांता था। फिर उसके बाद पैदल मोमिनों की फौज आती थी, फजा में नारे तकबीर से सब गूंज जाती थी। महाजिर और अंसार अपने अपने सब रिसालों पर लिए इस्लाम का परचम, मुकर्र थे बतौर अफसर। सभी के हाथ में तलवार बिजली सी चमकती थी, शुजात की तजल्ली उनके चेहरों पर झलकती थी। शहनशाहे तो आलम थे सवार को अपने मरकब पर, माओ खुर्शीद से ज्यादा था रोशन चेहरे अनवर। हुए मक्के में दाखिल शाहे बतहा शान शौकत से, घरों में जा छुपे सब अहले मक्का खौफ दहशत से। शहनशाहों से बढ़कर सरवर आलम का जामा था, सियारंग का सरे अकदस पे बाअज़मत अमामा था। हे बीचो बीच लश्कर में इमामुल अंबिया प्यारे, फरिश्ते हूर गिल्मा करते थे जलवों के नजारे। सलामी पेश मक्का के सभी महलात करते थे, सलामी पेश मक्का के सभी महलात करते थे।
फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे, फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे, फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे। सलामी पेश मक्का के सभी महलात करते थे और फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे। सुभान अल्लाह। एक दिन वो भी था जब मेरे आका को मक्के वालों ने सताया था और आप मक्के से हिजरत कर गए थे। एक वो भी दिन था और एक दिन आज का है। सुनिएगा वो दिन कैसा था और ये दिन कैसा है। था एक दिन वो भी मक्का छोड़कर सरकार निकले थे, हुए सब दुश्मनी जा तो शहे अबुरार निकले थे, मगर दाखिल हुए अब फातहाना शानो शौकत से, हुए मरूब सब अहले अरब आका की अजमत से, गुजर कर शहर के अंदर से पहुंचे बाबे काबा पर, बुलंदिक नारे तकबीर आका ने किया जाकर, कहा अल्लाह अकबर जोश में फिर सारे लश्कर ने, फजा नारों से गूंजी और सब काफिर लगे डरने, यकीन था अहले मक्का को गिरफ्तार आज हम होंगे, उन्हें डर था मुसलमानों के हाथों सर कलम होंगे, हुए दाखिल हरम में मुस्तफा और उनका लश्कर भी, तवाफे काबा करके फिर सना की सबने अल्लाह की, सनम जो 360 काबा के सहन में थे, रसूल अल्लाह ने काबे से बाहर सब वो फिकवाए, उमर फारूक ने तस्वीरें काबे की मिटा डाली, वहां जो नामुनासिब चीजें थी वो सारी फिकवा दी, आज काबा 360 बुतों से पाक हो गया और जो तस्वीरें बनी हुई थी काबे की दीवारों पर हजरत उमर फारूक ने उनको भी मिटा डाला। आज कदीम क्या मुबारक दिन है। सुनिएगा, हुआ आलाइशों से पाक काबा चैन तब आया, उमर ने परचमे इस्लाम फिर काबे पे लहराया, रसूल अल्लाह ने फरमाया हक आया गया बातिल, के बातिल मिटने ही की चीज था रहमत हुई नाजिल, खुदा का फजल था वो गलबे तौहीद का दिल था, खुदा का फजल था वो गलबे तौहीद का दिल था, खुदा का फजल था वो गलबे तौहीद का दिल था, हकीकत में मुसलमानों को वो एक ईद का दिन था, हकीकत में फजल था वो गलबे तौहीद का दिन था, हकीकत में मुसलमानों को वो एक ईद का दिन था। बेशक उस दिन क्या खुशी हासिल हुई होगी उन मदीने के लोगों को जो जिंदगी भर परेशानियां उठाते चले आए थे, और उसके बाद सरकारे दो आलम ने तमाम अहले मक्का को बुलाया दरे काबा पर और फिर क्या कहा उनसे, समाप्त कीजिएगा। बुलाया
अहले मक्का को दरे काबा पे सब आए, मुसलमानों की हैबत से सभी थे आज घबराए। रसूले पाक और उनकी जमात भी निकल आई, दरे काबा पे पैगंबर ने ये तकरीर फरमाई। खुदा वाहिद है उसका दूसरा सानी नहीं कोई, वही माबूद है उस जैसा लाफानी नहीं कोई। वही दोनों जहां का बेशुबा मालिक है खालिक है, वही है इज्जत और जिल्लत का मालिक सबका राजिक है। उसी ने बेसरो सामान बंदों की मदद की है, शकस्ते पाश्ती तुमको हमें उसने फतह दी है। जमाना जाहिलियत की सभी रस्में मिटाता हूँ, पैगंबर हूँ खुदा का हुक्म उसका ही सुनाता हूँ। जो मिन जानिब खुदा है काम बस होते रहेंगे वो, खुदा जिस बात को फरमाएगा बस हम कहेंगे वो। मना है फख्र करना तुमको अपने बाप दादा पर, तकब्बुर नारवा है जाहो हशमत माल दुनिया पर। नहीं लायक इबादत के फकत उसके सिवा कोई, हया तो मौत का मालिक नहीं है दूसरा कोई। बनाया अपनी कुदरत ही से दो आलम को खालिक ने, किया मिट्टी से पैदा हजरत आदम को खालिक ने। जरा सोचो पड़ी है खाक से बुनियाद आदम की, जितने आदमी वो है सभी औलाद आदम की, जितने आदमी वो है सभी औलाद आदम की, जितने आदमी वो है सभी औलाद आदम की। सोचो पड़ी है खाक से बुनियाद आदम की, हैं जितने आदमी वो हैं सभी औलाद आदम की। रसूल करीम ये तकरीर कर रहे हैं काबे के दर के सामने खड़े होकर, और क्या कहते हैं आप जरा ये भी सुनिए। बनाए हैं कबीले खानदा पहचान की खातिर, के ता आसानी हो आबादी में इंसान की खातिर। जो जाहिद मुत्तकी हैं और जिनके नेक धंधे हैं, वही अल्लाह के नजदीक बस मकबूल बंदे हैं। जो दुश्मन थे नबी के सर झुकाए बात सुनते थे, शर्म और खौफ से चुपचाप इरशादात सुनते थे। वो दिल में सोचते थे हमने इन पर जुल्म ढाए हैं, निकाला है वतन से आदमी इनके सताए हैं। किया है कत्ल हमने मोमिनों को और दगा दी है, जो थे कमजोर उनको बेखता हमने सजा दी है। हमारे हाथ से प्यारे नबी ने जख्म खाए हैं, भला अब क्या बचेगी जान इनके हाथ आए हैं। मक्के वाले तो ये सोच रहे थे कि हमने जिंदगी भर इन पर जुल्म ढाए हैं, आज हम इनके हाथ लगे हैं तो ये हमें क्या जिंदा छोड़ेंगे। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका पर, आप क्या फैसला करते हैं समाप्त कीजिएगा। कहा सरकार ने अब फैसला अपना करूंगा मैं, तुम्हारे
तुम्हारे साथ ये मालूम है अब क्या करूंगा मैं। लरज कर रह गए सब खौफ तारी हो गया उन पर, तभी आवाज में बोले के हम इंसान हैं बदतर। तुम्ही सादिक अमीन और रहम दिल बेहतर समझते हैं, है मुजरिम फिर भी तुमसे रहम की उम्मीद रखते हैं। है सारा इख्तियार अब आपको चाहे करम कर दें, हमारी जान बख्शें या हमारे सर कलम कर दें। ये फरमाया नबी ने के तुम्हारा जुर्म काफी है, ये फरमाया नबी ने के तुम्हारा जुर्म काफी है, ये फरमाया नबी ने के तुम्हारा जुर्म काफी है। मगर तुम चाहते हो रहम तो सब को माफी है, शाने पैगंबर है। हुजूर सरवरे कायनात फरमाते हैं कि हालांकि तुम्हारा जुर्म काफी है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो जाओ, मैंने सबको माफ किया। ये है शाने नबी, ये है मकामे मोहम्मद। हुजूर फरमाते हैं, मेरा ये काम है मैं गमजदों को शाद करता हूं, न घबराओ तुम्हें बेशर्त के आजाद करता हूं। ये सुनकर रो पड़े सारे, कहा हम सब सितमगर हैं, किया तस्लीम बेशक आप अल्लाह के पैगंबर हैं। नबी ये मोहतरम हम आप पर कुर्बान जाते हैं, खुदाए पाक पर और आप पर ईमान लाते हैं। बहुत से लोग फौरन आप पर ईमान ले आए, पढ़ा कलमा नबी का रहमतों के मिल गए साए। गए कोहे सफा पर जाके बैठे रहमत आलम, मुसलमा करके बैत ले रहे थे हादी अकरम। कुरैशी शहर से आकर मुसलमान होते जाते थे, वो अपने आंसुओं से दागे सियां धोते जाते थे। तो तरफा थे रवा आंखों से बन बन कर गुहर आंसू, नदामत के उधर आंसू मसरत के इधर आंसू। मुसलमा हो गए सब अहले मक्का दोपहर आया, रसूल अल्लाह पहुंचे काबा में वक्ते जुहर आया। बिलालू पर गए काबे पे आका की इजाजत से, आजादी काबे की छत पर मसरत और ताकत से। सदा गूंजी अज़ा की आज सारे शहरे मक्का में, खुशी का जोश था बेहद नबी के सब सहाबा में। खचा खच भर गया काबा इबादत करने वालों से, खच भर गया काबा इबादत करने वालों से, खचा खच भर गया काबा इबादत करने वालों से। मुनव्वर हो गया मक्का हकीकत के उजालों से, मुनव्वर हो गया मक्का हकीकत के उजालों से, मुनव्वर हो गया मक्का हकीकत के उजालों से। Thank you.
क्या मुबारक दिन होगा जिस दिन काबे के अंदर नमाज हुई होगी और मक्का हकीकत के उजालों से मुनव्वर हो गया होगा। जनाबे हाजी शौक वजीर गंजवी साहब फतेह मक्का के इस आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, हजरात गौर फरमाएं। खुदा का घर बना बुतखाना था जो आज तक काबा, इमामत की रसूल अल्लाह ने जन्नत का मंजर था। हुए फारिग इबादत से खुदा के चाहने वाले, परस्ते थे हरम में रहमतों के नूर के झाले। लगे कहने नबी से मक्के वाले अपने घर चलिए, हमारे बाप माँ कुर्बान आका अब यहीं रहिए। मक्के के लोग हुजूर से कहते हैं कि हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, अब आप यहीं मक्के में आबाद हो जाइए, यहीं रहिएगा। लेकिन ये बात सुनकर अंसारे मदीना के चेहरे उतर जाते हैं और आगे क्या होता है जरा सुनिएगा। क्या हुजूर मक्के में रहेंगे? ये सुनकर चेहरे उतरे गम से अंसारे मदीना के, ये सोचा सबने दिल में अब बिछड़ जाएंगे आका से। रसूल अल्लाह ने देखा तो बोले दिल न तोड़ेंगे, ये वादा है कयामत तक मदीना हम न छोड़ेंगे। दिया है साथ तुमने क्या तुम्हें हम भूल जाएंगे, तुम्हें हम छोड़कर मक्के में रहने को न आएंगे। कहा ये अहले मक्का से यहाँ हम रह न पाएंगे, मदीने से यहाँ हर साल हज करने को आएंगे। ये सुनकर खुश हुए अहले मदीना खिल गए चेहरे, कहा आका ने मक्के वालों से अब शान से रहिए। रसूले पाक ने गिरदो नवा के बुत भी तुड़वाए, रहे कुछ रोज आका फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले मक्के की बता पर खुश नजर आए, मुबारकबाद दिया आपको सबने फूल बरसाए। खुशी का बलबला था शौक हर मोमिन के सीने में, नबी के नूर की बरसात होती थी मदीने में, नबी के नूर की बरसात होती थी मदीने में, नबी के नूर की बरसात होती थी मदीने में। खुशी का बलबला था शौक हर मोमिन के सीने में, खुशी का बलबला था शौक हर मोमिन के सीने में, खुशी का बलबला था शौक हर मोमिन के सीने में। नबी के नूर की बरसात होती थी मदीने में।